हाँ जी यार, ये लॉकडाउन कुछ ज्यादा लंबा नहीं चल गया? मतलब इतना लंबा तो नहीं सोचा था कि इतने दिन तक घर पे रहना पड़ेगा। और अब तो हर चीज बुरी लगने लगी। अब नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। बहुत ज्यादा बुरी तो लगी अब तो। आज मैंने बादशाह का एक गाना पूरा सुन लिया, पूरा 3.5 मिनट। मुझे लग रहा थोड़े दिन और चलेगा ना, सिद्धू मूसेवाले का गाना आ जाएगा कि हाँ मैं हूँ दिल दा माड़ा। तो बंद करो यार इसको, दिमाग चलना बंद हो गया। अब हर चीज बोरियत लगने लगी अब। और जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से मुझे लग तो नहीं रहा कि जल्दी से खत्म होगा, जिस अच्छे हिसाब से लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे विक्रम बेताल बने घूम रहे हैं लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर। मेरे घर के नीचे मार्केट है, मैं ऊपर से देखता रहता हूँ छत से, कुछ भी कर रहे हैं लोग। ये मार्केट पहले से ज्यादा खुल रहा है। मुझे लग रहा है लोगों ने नई दुकानें बना के खोल दी है यहाँ पे। मेरे घर के नीचे एक उसकी कंबल और डोरमैट की दुकान खुली हुई है। किसे बेच रहा है तो जून जुलाई में कंबल और डोरमैट? किसका घर गंदा हो रहा है, कौन किसके घर आ जा रहा है? पर नहीं, खोल देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। एक तो इन अंकलों की बुद्धि में जंग लगा हुआ है क्या इस देश के? इन्हें कब समझ में आएगा कि कुछ हो रखा है? इन्हें कब पता चलेगा कि मास्क जो होता है वो यहाँ लगाना है, यहाँ और यहाँ नहीं। और छींक आ रही है तो उसके अंदर छींकना ऐसा हटा के नहीं कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज से। एक अंकल है, मैं रोज देखता हूँ, खरबूजा उठा के सूंघ के देख रहे हैं कि मीठा है कि नहीं। भाई वाह, अंगूर उठा के आगे देख रहे हैं, मीठा तो है, दे दो। भगवान देख रहा होगा अभी तक इसके नाम पे एंटर मार चुका होगा कि ले जाए इसको। और यमराज भी से भैंसे पे बिठा के लेके जाएगा, पीछे बांध के लेके जाएगा। हद कर रखी यार, बुद्धि अपडेट कर लो अपनी। और ये लड़के कहाँ जा रहे हैं स्कूटी बैठ के? तीन 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 लड़के स्कूटी बैठ के कहाँ जा रहे हो? एग्जाम तुम्हारे कैंसिल हो गए, टिकटॉक तुम्हारा बैन हो गया, अब क्या रह गया तुम्हारी लाइफ में? इतनी देर के लिए तो चमगादड़ भी घर से बाहर नहीं रहता भाई, रह लो प्लीज। हमें बोरियत हो रही है यार, हमें वापस काम पे जाना है। इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, हम चले जाएंगे। पर नहीं, जलवे दिखा रहे तुम्हें सड़कों पर भी। हद कर रखे हैं, बोरियत के चक्कर में इंसान कुछ भी करे जा रहा है घर में पड़ा पड़ा। ऑनलाइन शॉपिंग जब से खुली है, मैं चलो कुछ मंगा लेते हैं, बाहर से सामान मंगा रहा हूँ एंड शर्ट जो मिल रहा है। पेडिग्री मंगा लिया मैंने क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कुत्ता पालूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले से पेडिग्री मंगा लेते हैं। अब वो पड़ा हुआ है कोने में। एक तो पिछले 3 साढ़े 3 महीने से घर का एक कोना कोरोना जोन बना हुआ है, जो भी बाहर से सामान आता है वहीं पड़ा है, वो 24 घंटे वहां पड़ा रहता है, फिर देखते हैं उसे क्या करना है उसका। एक तो नोटिस डिलीवरी के चक्कर में इतना चूतिया कट रहा है। स्विगी से खाना मंगाओ तो वो नीचे से आके फोन करता है कि सर सीढ़ियों पर नहीं आ सकते, आप नीचे से आके ले जाइए। बस इसी चीज के लिए तो मैं 25 रुपये और 1,000 तालियां देता था ऑर्डर करने के बाद। ले जाओ वापस, ले जाओ, मुझे नहीं लग रही भूख, मैं मैगी खा के सो जाऊंगा। अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग करी है, उसके चक्कर में कुछ भी मंगाया कुछ भी। वो अमेजोन वाले सुबह 9 बजे डिलीवर करते रहे। अरे नहीं मंगाया इतना जरूरी कुछ भी सामान, स्केच पेन मंगाए थे क्योंकि याद आ रही थी, ऐसी देखने का मन था स्केच पेन, ऐसे स्केच पेन को ऐसे करो, कैप को तो बहुत ऊपर उछलता था, वो खेलने का मन था मेरा। ले जाओ वापस, ले जाओ। उससे मैंने 2-3 बार कह दिया कि भाई सुबह बाहर गेट के बाहर रख जाया करो, 3 बार मेरा कूड़े वाला वो सामान उठा के ले गया। मैंने कूड़े वाले से कहा कि तुम ये बंद सामान क्यों उठा के ले जाते, तो कह रहा है कि मैं क्या कूड़ा खोल के देखता हूँ कि इसमें कूड़ा है कि नहीं। ठीक है ले जाओ, अब मेरे पास आधा सामान है और आधा नहीं, अब मुझे नहीं पता करना क्या उनका। एक सामान शाम को 6 बजे डिलीवर हुआ है, वो खोल के देखा उसमें कोरोनिल निकली है, उसे मैं खुद कूड़े में रख के आ गया, उसको तो पक्का ले जाएगी यहाँ से। बैठे बोर हो रहे हैं, जल्दी खत्म करा दो यार प्लीज, फॉलो कर लो जितना हो सकता है। बहुत मन कर रहा है अब काम पे जाने का, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी। क्या करें अब, यहाँ आदमी बोर हो रहा है बैठ के, क्या करें? बाल बड़े करने का मन नहीं कर रहा अब तो मेरा। अब मम्मी की बात जाके समझ में आई कि बाल बड़े करने नहीं होते हैं क्योंकि लड़के चुड़ैल लगते हैं लंबे बालों में। ये देखो क्या क्या मंगा रखा है, ये देखो कलरफुल पेंस, क्या करना है इनका पता नहीं, 3 पैकेट है मेरे पास। ये देखो आर्ट से आर्ट करनी थी, आर्ट ड्राइंग पेंसिल मंगाई है मैंने, और ड्राइंग बुक मेरा कूड़े वाला ले गया। अब क्या करूं, दीवार पर बनाऊं मोनालिसा?